एम आर के साथ आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं? जब भी हमारे वाक्य में आखिरी में रहा है, रही हूं ऐसे शब्द आ रहे हैं तो हम इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, शी इज लिसनिंग, दे आर टॉकिंग। इसी के साथ कल हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जब इन्हीं वाक्यों से हमें प्रश्न बनाने होते हैं तो वो प्रश्न किस तरह बनाए जाते हैं। यदि हमारा प्रश्न बिल्कुल सीधा साधा है, सीधा साधा से मतलब जब हम किसी प्रश्न का जवाब केवल हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर हम इस प्रकार का कोई प्रश्न कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमारे वाक्य में जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सब्जेक्ट के पहले ले लेते हैं। जैसे जब मैं बोल रही हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसी को यदि मैं प्रश्न के रूप में पूछूं, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आई के बाद जो एम हमने लगाया था उसे आई के पहले लगा लेंगे। एम आई टीचिंग इंग्लिश? लेकिन यदि प्रश्न हमारा विस्तृत है जिसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता तो हमें फिर इसमें कोई एक्स्ट्रा शब्द लगाना होगा जो WH शब्द कहलाते हैं। अभी मैंने पूछा था क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया, मैंने केवल एम आई टीचिंग इंग्लिश बोल दिया। लेकिन यहाँ पर यदि मैं ये प्रश्न पूछूं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ तो वहां पर मुझे क्या के लिए व्हाट लगाना पड़ेगा और ये वाक्य बन जाएगा व्हाट एम आई टीचिंग। वहीं पर जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पर इज एम आर की जगह आ जाता है वॉज या वर। जब कोई भी एक वचन होता है तो उसके साथ वॉज लगाया जाता है, बहुवचन के साथ वर लगाया जाता है। अब इसी वाक्य को यदि मैं पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में देखूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी तो इसे मैं इंग्लिश में कहूंगी आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। दूसरा वाक्य यदि मैं बोलूं क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, इसी को प्रश्न के रूप में वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। और इसी को मैं एक विस्तृत प्रश्न बना दूं कि मैं इंग्लिश क्यों पढ़ा रही थी। पहले जो हमने प्रश्न देखा था वो क्या वाला देखा था, अब हम देख रहे हैं कि मैं इंग्लिश क्यों पढ़ा रही थी, तो क्या आ जाएगा व्हाई, व्हाई वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। ये हमने बात करी पास्ट कंटिन्यूअस की। जब कल हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पर आए थे तो हमने ये डिसाइड किया था, ये बताया था कि फ्यूचर में भी वर्ब में तो आईएनजी लगेगा ही, लेकिन वर्ब में आईएनजी तभी लग सकता है जब हम बी यानी होना क्रिया का कोई ना कोई रूप यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट में हमने यूज किया था इज एम आर, पास्ट में यूज किया था वॉज वर्ब, और विल में हम यूज करेंगे बी। अब जब हमें भविष्य की बात करनी है, कल मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, अब ये होंगी में दो संभावनाएं हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हम कल की, आने वाले कल की संभावना बता रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि हम बीते हुए कल की संभावना बता रहे हैं।
यदि मैं किसी निश्चित कार्यक्रम के बारे में बात करती हूँ कि कल इस समय मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, टुमोरो आई विल बी टीचिंग इंग्लिश दिस टाइम। अब इसी का अगर मुझे प्रश्न बनाना है, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी? विल आई बी टीचिंग इंग्लिश? और इसी को मैं प्रश्न को और ज्यादा विस्तार दे दूं कि मैं इंग्लिश कब पढ़ा रही होंगी, तो ये कब के लिए मैं यूज करूंगी? व्हेन। व्हेन विल आई बी टीचिंग इंग्लिश? व्हेन विल आई बी टीचिंग इंग्लिश? तो ये हमने बात करी थी फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इसके बाद हम आते हैं परफेक्ट पर। परफेक्ट में जैसा मैंने कल भी बताया था कि हमें हैज या हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। जैसे अगर गो है तो गॉन हो जाता है, ड्रिंक है तो ड्रंक हो जाता है, सी है तो सीन हो जाता है, वॉच है तो वॉच्ड हो जाता है। और ये हम कहाँ यूज करते हैं? जहां हम चुका है, चुकी है, चुका था या कर लिया था या कर लिया होगा। ये तीन स्थितियां इसकी हो सकती है। पहली प्रेजेंट में ये लेसन कंप्लीट कर चुकी हूँ या मैं कोर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। आई हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। अब इसी को यदि मैं प्रश्न के फॉर्म में पूछूं, क्या मैं सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ? Have I completed syllabus? और इस प्रश्न को यदि मैं फिर से बढ़ा कर दूं, बढ़ा दूं इसे, इसे विस्तार दे दूं, तो मैं क्या पूछूंगी? मैं सिलेबस में क्या कंप्लीट कर चुकी हूँ? पहले मैंने पूछा था क्या मैं सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अब मैं पूछ रही हूँ मैं सिलेबस में क्या कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो ये प्रश्न कैसे बन जाएगा? व्हाट हैव आई कंप्लीटेड इन सिलेबस? ये बात हमने करी थी प्रेजेंट परफेक्ट की। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, जिसमें हैज हैव की जगह हैड लगा दिया जाता है। ये चैप्टर तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। आई हैड ऑलरेडी टॉट दिस चैप्टर। पहले ही के लिए ऑलरेडी पढ़ाना यानी टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। आई हैड ऑलरेडी टॉट दिस चैप्टर। अब इसी को यदि मैं प्रश्न के रूप में पूछूं, क्या मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया था? Had I taught this chapter? Had I taught this chapter? और अब मैं ये पूछ रही हूं कि मैंने ये चैप्टर कब पढ़ाया था? When had I taught this chapter? When had I taught this chapter? तो ये हमने बात करी थी हमारे इसकी पास्ट परफेक्ट की। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट मतलब जब हम भविष्य में पूरे हो चुके काम के बारे में
बात कर रहे हैं। कैसे? वो तो चला गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा। इस तरह के सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो वहां पर विल के साथ हैव लगता है। अब मैं ये कह रही हूं वो तो चला गया होगा, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ही विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। ही विल हैव गॉन। क्या वो चला गया होगा? तो अब यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करी है? विल। तो हम इसे बाहर ले आएंगे, विल ही हैव गॉन। और यदि मैं ये पूछूं वो कैसे गया होगा, फिर क्या आ जाएगा? हाउ विल ही हैव गॉन। कैसे के लिए हाउ, हाउ विल ही हैव गॉन। ये हमने बात करी फ्यूचर परफेक्ट की। सामान्यतया जो हमें लगते हैं सेंटेंसेस ट्रांसलेशन के लिए वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट के तीनों फॉर्म, पास्ट के तीनों फॉर्म और फ्यूचर के तीनों फॉर्म। अब कुछ इसके अलावा ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कॉमनली हमारे काम में आते हैं। जैसे हम किसी चीज के लिए अपनी क्षमता बताते हैं। मैं आपसे पूछती हूं कि आप इंग्लिश बोल सकते हो या नहीं, तो इस सकने के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं वो होता है कैन। अब मैं आपसे पूछूं आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे पूछूंगी? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते? कांट यू स्पीक इंग्लिश? मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोल सकती, शी कांट स्पीक इंग्लिश। तो ये जो कैन शब्द का उपयोग होता है वो अपनी कार्य क्षमता बताने के लिए किया जाता है। हिंदी में हम ये सकता शब्द, एक ही शब्द कई कामों के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए अलग-अलग शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे जब हम अपनी क्षमता की बात कर रहे हैं तो हम कैन का उपयोग करते हैं, और जब हम किसी से परमिशन लेने की बात करते हैं, किसी से अनुमति मांगते हैं, तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे जब आप लोग क्लास में अंदर आने की परमिशन मांगते हो तो आप कहते हो मे आई कम इन। आपको किसी की कोई चीज लेनी है, उसके लिए आप परमिशन ले रहे हो, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ? मे आई टेक योर बुक। तुम चाहो तो देख सकती हो, इफ यू वॉन्ट यू मे सी। परमिशन लेना या देना दोनों ही स्थिति में हम यूज करते हैं मे, और जब अपनी कार्य क्षमता की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं कैन। अब इसी कार्य क्षमता की बात जब हम पास्ट टेंस में करते हैं, जैसे कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकी,
तो यहाँ कैन का पास्ट टेंस आ जाता है कुड, CUD। यस्टरडे आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। उसी तरह जब पास्ट में किसी संभावना की बात की जाती है तो वहां आ जाता है माइट। वो आ सकता था, ही माइट हैव कम। वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ही माइट और माइट नॉट कम। उसी तरह हम किसी की लगातार चलने वाली आदत के बारे में जब बात करते हैं, जैसे मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, नॉर्मली हम ये प्रेजेंट सिंपल के फॉर्म में बोलते हैं कि आई डू एक्सरसाइज डेली या रेगुलरली। लेकिन यदि मैं इस काम को भी निरंतर रूप में बताऊं कि मेरे पापा तो मार्केट जाते रहते हैं, मैं पढ़ाई करती रहती हूँ, तो यहाँ पर जो सेंटेंस यूज होता है वो होता है यूज्ड टू। कई बार हम अपने स्टेटमेंट्स भी इस तरह देते हैं कि एक हुआ करता था, जैसा उस दिन मैंने कहानियों को लेकर डिस्कशन किया था। तो कहानियों में हम इस तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, एक राजा हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ किंग। दो साल पहले मैं क्रिकेट खेला करती थी, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट 2 years बैक। तो ऐसे सेंटेंस में क्या यूज होता है? यूज्ड टू। उसके बाद यहाँ कुछ बेसिक सेंटेंस हमें दिए गए हैं जो हमें जनरल कन्वर्सेशन में काम आते हैं, और यदि आप इनका उपयोग करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आप अपनी बेसिक कन्वर्सेशन इंग्लिश में बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब हमें किसी से पूछना होता है कि तुम कैसे हो, तो हम पूछते हैं हाउ आर यू, और जब आप जवाब देते हैं कि हाँ मैं अच्छा हूं, तो आप कहते हैं आई एम फाइन थैंक्स। और आपको जब पलट कर सामने वाले के बारे में पूछना होता है तो आप पूछेंगे व्हाट अबाउट यू। मैंने आपको बहुत याद किया, आई मिस्ड यू सो मच। और क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। कुछ खास नहीं, नथिंग मच। चलो फिर मिलते हैं, सी यू लेटर। इसी तरह से मैंने पहले भी इस बात पर डिस्कशन किया था कि यदि आप अपने घर का एड्रेस किसी को बताना चाहते हैं तो वो बताना इंग्लिश में कितना इजी होता है। जब आप हिंदी में एड्रेस बताते हैं तो नॉर्मली आप किस तरह बताते हैं? यहां से बाहर निकलना, बाहर निकलने के लिए कम आउट फ्रॉम हियर या मूव आउट फ्रॉम हियर, मेन रोड से लेफ्ट मुड़ जाना, टर्न लेफ्ट फ्रॉम मेन रोड। वहां पर एक शंकर जी का मंदिर आएगा, अ टेम्पल विल कम देयर।
बस शंकर जी के मंदिर के बिल्कुल पीछे एक कुआ है। देयर इज अ वेल जस्ट बिहाइंड टेम्पल। उस कुएं के दाई तरफ का चौथा मकान मेरा है। टू द राइट ऑफ द वेल फोर्थ हाउस इज माइन। तो जब आपको किसी को अपने घर का एड्रेस बताना हो वो बता सकते हैं, आप अपनी बेसिक कन्वर्सेशन जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं इंग्लिश में, जिस इंग्लिश को आप बहुत ज्यादा मुश्किल समझते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि आप कभी सीख ही नहीं सकते, आप कभी बोल ही नहीं सकते। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस यदि आप बोले तो आप बहुत इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। बेटा आपका कैमरा ऑन करो, मुझे अटेंडेंस लेना है। रक्षा रक्षा वीडियो ऑन करो बेटा। आज जितना भी पढ़ाया हमको